सही है। आप जो परफॉर्म की, ओके, तो हमारे झारखंड टाइप में भी जो ट्रेडिशनल वॉक होते हैं, एक बार फिर से वॉक करके दिखाइएगा उसको, थोड़ा सा वेस्टर्न लुक में करिएगा। मतलब आपके पोजेस जो होंगे वो ट्रेडिशनल होंगे, बट आपका जो वॉक होगा वो वेस्टर्न होगा। तो आप अपने आदिवासी कल्चर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर आप कहीं बाहर जाते हैं कॉम्पिटिशन्स में, आप अपने आदिवासी कल्चर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पहला तो होता है ड्रेसअप, और ड्रेस से ही पता चल जाता है कि आदिवासी ड्रेस, मतलब वो आदिवासी है या नहीं। उसके बाद हमारा तो लैंग्वेज होता है, वो हमें पता होना चाहिए। सही है, सही है। और हमारी परंपरा, हम मतलब कहीं भी जाते हैं तो जैसे हमारा है कि जय शिव बोलते हैं, जोहार बोलते हैं, तो हमें वो बोलना चाहिए। ओके, थैंक यू।
टैग नंबर टू पोकर बॉय कुछ कुरुप में बोल के बता दीजिए नहीं आता है टैग नंबर थ्री सहेरा गर्ल दो आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि हसिया पकड़ के लाल छोटी बांध के कहाँ से आइडिया है दीदी लोग बना दिए तो ये कौन कौन से कास्ट पे यूज होता है ये आदिवासी में होता है तो उसके झंडे का रंग क्या होता है थैंक यू नेक्स्ट टैग नंबर फाइव बलियातू बॉय परगाना में आता है संथाली वाले पे ठीक है तो ये आपको आइडिया कहाँ से आया कि मतलब संथाली वाला यूज करना है हमारे चर्च में एक दीदी है वो उनको फैशन का आइडिया उन्होंने बोला था कि हमारे जो ब्राइडल होते हैं वो उनका जो जैसा पता है लाल पाट साड़ी हो गया आपने जो देखा उस पर परगाना वाला आपने यूज किया तो संथाली में ये जो यूज होता है तो उसमें एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है तो उस फेस्टिवल को क्या बोलते हैं जो लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं किसी हम हिंट भी दे रहे आपको वो किसी ऐसी चीज से रिलेटेड है जो साल में एक बार होता है एंड वो वाइट कलर का होता है याद आ रहा है इसका नाम रिकॉल नहीं कर पा टैग नंबर फाइव बरियातू गर्ल बहुत प्यारी लग रही हूँ ठीक है तो अपने कल्चर के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए हम जो ड्रेस पहने वो संथाली ट्राइब का यूज किया गया है ये ट्राइब मोस्टली झारखंड के नॉर्थ ईस्ट एरिया पे आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा और जो मेरे पार्टनर के आप जो लास्ट क्वेश्चन पूछे थे वो फेस्टिवल था सुहराई और और बोलिंग मतलब आगे और कुछ है
Thank you. Tag number 6, Nazafgarh boy. आपका क्वेश्चन है, इन सब में से आपको यूनिक क्या बनाता है? जितने भी आपके कंटेस्टेंट्स हैं या फिर कॉम्पिटिटर्स हैं, उनमें से आपको यूनिक क्या बनाता है? ड्रेसिंग सेंस। ओके, तो अपने ड्रेसिंग सेंस के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। डिजाइनर ने बनाया है। कौन है आपके डिजाइनर? पिटोपो। ओके, थैंक यू। टैग नंबर 6, नजफगढ़ गर्ल। आत्मविश्वास, सबसे बड़ी चीज जो फैशन जो इंसान को उससे अलग बनाता है, जो विनर के लायक होता है, पर्सनालिटी। थैंक यू। टैग नंबर 7, केड़े बॉय। इतना हरियाली क्यों है? क्योंकि आदिवासी ने किसान खेती करते किसकी जमीनी माना जाता है? टैग नंबर 8, जोक वाला गर्ल। अच्छा, तो झारखंड में कौन कौन से भाषाएं बोली जाती है बता दीजिए। अच्छा ठीक है, तो जो आपने लालटेन पकड़ा है, लाइक क्या क्या मतलब होता है उसका, ऐसा लालटेन पकड़ने का? पहले के लोग लालटेन नहीं जलाते थे, पहले बिजली नहीं था। दिन में कितनी मछलियां मार लेते हैं? जितना मिलता है उतना ही मारते हैं। कितने में बेच लेते हैं भैया? कितने में बेच लेते हैं मछलियां अपनी? ऐसे ही दे देता हूँ। कौन सी वाला मछली लेना चाहेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, 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 नहीं
क्यों नर्वस लग रहा था? फर्स्ट टाइम। हमारे झारखंड में उड़ाव लैंग्वेज कहाँ कहाँ बोली जाती है? टैग नंबर 10 जुमई केला गर्ल आपने जो पूरा सेटअप लाइक जो पहना है एंड हाथ की जो है उसे थाली उसे क्या बोलते हैं किस चीज धातु से बना है ये कब यूज होता था हम लोग जो ट्राइबल में रहते हैं इसका उपयोग कब होता है टैग नंबर 10 जुमई केला बॉय ठीक है तो जो आपने हाथ में पकड़ा है क्या बोलता है उसको थोड़ा चलाके दिखा दीजिए वो देख लेंगे आप चलाके दिखाइए कोई दो नाम बता दीजिए एक तो मैं खुद और किसी को मैं कम नहीं समझती अच्छा आपने एक पैर पे उसने पहना है दूसरे पैर पे नहीं पहना क्योंकि लड़कियां दोनों पैर पहनती है लड़के एक पैर में एक बार बिरसा मुंडा की पोस्ट पे ये धनुष को यूज करके दिखाई चिल्लाने नहीं जानते हैं अनपढ़ है एक क्वेश्चन है कमी लोगों को पता होगा मुझे भी लाइक थोड़ी देर पहले मैंने सर को बोला था तो झारखंड का सबसे बड़ा मंडी बाजार कहाँ है एक्चुअली मैम मुझको कोई आइडिया नहीं चलो पास हो गए एक मॉडल के लिए
एटीट्यूड पर्सनालिटी इन सब से अलग क्या होता है जो उसे विनर बनाता है? उनका नेचर। टैग नंबर 14 पुअर मुंडा बॉय। हाय हाय। तो आता है आपको? नहीं आता है। नहीं आता है। टैलेंट क्या है तो आपको? साइलो नाच सकते हैं। क्या कहना? साइलो नाच सकते हैं। चलिए तो नाच के दिखा दीजिए फिर। म्यूजिक को जा दीजिए थोड़ा। हाँ दादा वाला म्यूजिक लेट वाला गाना लगा दीजिए। बहुत अच्छा नाच है। टैग नंबर 3 परियादु गर्ल। हमारे झारखंड में लॉन्ग ड्राइव में या फिर संथाली में ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जो जनजाति को प्रेजेंट करते हैं? संथाली में हाँ फेस्टिवल हाँ कौन सा फेस्टिवल है जो जनजाति को रिप्रेजेंट करते हैं? ऊपर से जनसंख्या को एक इसमें एक मिलन समारोह जैसा भी हो सकता है। और तो जनसंख्या वाला है उसमें जैसे भी जो हम लोग का उड़ाव है या संथाली है सबको ये मिलजुल कर ही सब कुछ करते हैं तो लगभग सबको एक साथ ही सब कुछ मनाते हैं। नहीं एक पर्टिकुलर नेम होता है। नो मैम आई डोंट नो। बिल्कुल सही जवाब। बट मैं बता दूं वो सरगुन है। यही तो बोलना। टैग नंबर 15 परियातु बॉय। आई डोंट नो सब डाल दो। आप ये लाठी लेके किनको मार लेंगे तुम? करके ऐसे तो हम लोग घर में बकरी था और गाय भी है नानी घर में तो उसको चराने जाते थे तो फिर ये आइडिया आया। उसके बाद में फिर मार्वल मूवी बहुत देखते हैं तो हॉकाई का भी आइडिया है। वो एक्शन भी वहीं से आया था कि उसको हम घुमा कर एक बार ऐसे टैप करेंगे तीर खत्म हो जाता है ना तो जनरल नॉलेज तो ठीक नहीं। जनरल नॉलेज और ज्योग्राफी सर थोड़ा वीक है। हमारी फर्स्ट ट्राइबल जो प्रेसिडेंट बनी है उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। टैग नंबर 16 गगर गर्ल। तो आपका क्वेश्चन है आपको 24 घंटे में और 5 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे तो आप क्या करना चाहेंगे? ठीक है तो फिर एग्जाम तो ओनली 3 आवर्स का होता है ना? हाँ जी
एग्जाम तो ओनली 3 आवर्स का होता है ना, तो अच्छा अगर हम लोग को 5 मिनट और एक्स्ट्रा मिल जाए तो टैग नंबर 16 नजफगढ़ बॉय काफी प्यारा कॉन्सेप्ट है आपका, तो आपका ड्रेसअप का कॉन्सेप्ट क्या था या फिर ऐसा जो डॉट डॉट्स लगाया वो बहुत प्यारा दिख रहा है, तो क्या कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर? इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था, रैंडम आया था ये रैंडम आया तो लगा दो ओके तो अपने ड्रेस कोड के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए डिटेल, जो नीचे पहना है आपने उसको क्या बोलते हैं, उसका कॉम्बिनेशन जो ऊपर किया है क्या सोच ही किया था? उसके जो थे मेरा वॉक भी बहुत रैंडम था, मेरा इसमें पार्टिसिपेट करना भी रैंडम था। टैग नंबर 17 चेडे गर्ल उसको पता नहीं रहता चाहती मैं आपसे पूछूंगी यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट थे उनसे आपने क्या अलग किया? मैं संस्कृति नाच गुड थैंक यू। टैग नंबर 18 जोगबाला बॉय हेलो हाय 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 मैम, आपने जो ये पहना है अपने बॉडी पे वो जो छोटी छोटी सी उसको क्या बोलते हैं? हमारे छत्तीसगढ़ की बोलचाल की भाषा में इसको कौड़ी कहा जाता है। इसका उपयोग क्या होता है? हमारे छत्तीसगढ़ में अभी जैसे शादी मेहमान वगैरह होता है तो इसको जो बाजा बजाते हैं उन लोग पहनने का इस्तेमाल करते हैं। अभी म्यूजिक चला दीजिएगा, अभी आप वन बाय वन वॉक करके जाएंगे वापस एग्जिट करेंगे।